गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसकी की एक्सरसाइज 9.3 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9.4 पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें गुणा कीजिए। क्या करना है हमें, इसमें मल्टीप्लाई करना है। और किसका करना है, डेसिमल फ्रैक्शन दिए हैं आपको, उनका मल्टीप्लाई किसी संख्या से करना है। देखिए ये संख्या आपको दी है 42.6 मल्टीप्लाई 5, तो देखिए ये जो डिजिट हमको दी हुई है, अगर ये इसका पॉइंट हम यहां से मान लीजिए हटा दें, तो ये कितना हो जाता है, 426 मल्टीप्लाई 5। तो हम लोग इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यही सोच के करेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, और पॉइंट जो होगा वो लास्ट जब आंसर हमारा निकल आएगा तब लगा देंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 6 30 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13 1 कैरी, 5 4 20 और 1 21। देखिए कितना आ गया, 2130। अब देखिए हमारा पॉइंट जो था, हम हमेशा राइट हैंड साइड से गिनते हैं, तो राइट हैंड साइड से जब हम गिनेंगे तो कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद दिया, तो जो आंसर है हमारा उसमें भी हम एक अंक गिनेंगे, तो राइट से गिनना शुरू करेंगे तो एक अंक क्या है हमारा, जीरो, और जीरो के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर डालेंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 230। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें 92.06 मल्टीप्लाई 7, 92.06 मल्टीप्लाई 7, तो इसका भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी हम लोग यही सोचेंगे कि पॉइंट हमको नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 7 6 42, तो 4 इसका कैरी लगेगा, तो 7 में जब हम मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद 7 2 14, 1 कैरी, और 7 9 63 और 1 64, कितना आ गया हमारा, 64,442। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब तो ये हमारा आंसर आ गया है इसमें, अब हमारा लास्ट जो बच रहा है स्टेप क्या बच रहा है, कि इसमें पॉइंट लगाना, तो जब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो कितने अंक के बाद लगाएंगे, राइट हैंड साइड से गिनते हैं हमेशा, तो 1 2 2 अंक, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा, इधर से भी 2 गिनेंगे, 1 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आंसर डालेंगे और क्या आ जाएगा हमारा, 644.2। नेक्स्ट आता है हमारा 95.62 मल्टीप्लाई 12, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 12 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो 95.62 मल्टीप्लाई 12, तो 12 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 2 24, 2 कैरी, 12 6 72 और 2 74, 7 कैरी, 12 5 60 60 में 7 प्लस किया 67, 6 कैरी, 12 9 108 108 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया, 114, कितना हो गया, 114। अब देखिए ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अभी एक स्टेप इसमें हमारा क्या बाकी है, कि अभी इसमें हमें पॉइंट लगाना है, तो जो पॉइंट लगाना है वो कितने अंक के बाद है, राइट से गिनेंगे, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद है, तो 2 डिजिट्स के बाद इधर से गिन के हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आंसर डालेंगे, आंसर आ गया हमारा 1147.44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.687 मल्टीप्लाई 15, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 105, 10 कैरी लगा, 15 8 120 और 10 130, 0 13 कैरी, 15 6 90 90 में 13 प्लस किया तो कितना हो गया, 103। तो
तो अब हमें क्या लास्ट स्टेप हमारा क्या बच रहा है इसमें कि हमें इसमें पॉइंट लगाना है और पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा हमारा 1 2 3 तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा आंसर आ गया हमारा 10.305 देखिए इस क्वेश्चन में आपके इसी तरह के और भी सम्स है जिनको कि आप इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करिएगा। अब हम अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें हमको 2 डिजिट्स दी होती थी उनका मल्टीप्लाई करना होता था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट में ही पॉइंट लगा हुआ होता था। पर लेकिन इसमें क्या है, जो आपको ये 3 डिजिट्स दे रहा है इन 3 डिजिट्स में पॉइंट लगे हुए हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी करने का प्रोसेस वही है। बस क्या है कि अब हमको पहले हम एक डिजिट के केवल पॉइंट कितने अंक के बाद लगा ये काउंट करते थे, अब हम क्या करेंगे दोनों को काउंट करके ऐड करके इसके बाद आंसर में पॉइंट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग दो दो का डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 15.2 × 1.7। चलिए करते हैं 17.2। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये नहीं लगे हुए हैं इसमें, तो अगर ये पॉइंट्स को हम हटा दें तो ये क्या बन रहा है हमारा 17 है और ये क्या है 152 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 17 × 2 = 34 3 कैरी 17 × 5 = 85 और 388 8 कैरी 17 × 1 = 17 और में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा हमारा इसमें 25। तो और पॉइंट्स कितने बार लगेंगे, देखिए एक ये हो गया और एक अंक ये हो गया, टोटल कितने हो गए 2 डिजिट्स हो गए। देखिए इधर हमने जो भी दो दो हमको डिजिट्स दी हुई हैं इनमें दोनों में पॉइंट लगा है तो हम दोनों को गिनेंगे। तो इस जो जिससे हमने अभी गुणा किया है इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद, और इसमें कितने अंक के बाद लगा है एक अंक के बाद, तो एक और एक 2, तो 2 अंक के बाद हम इसमें क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 तो 25.84। अब ये जो हमारी डिजिट आई है इसका मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे 0.9 में करेंगे। तो करते हैं, चलिए 25.84 × 0.9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 = 36 3 कैरी 9 8 = 72 और 375 7 कैरी 9 5 = 45 45 और 7 52 5 कैरी 9 2 = 18 18 और 5 कितना होता है 23। देखिए आ गया, तो ये जो हमारा आंसर आया है अब हम इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए एक अंक ये है हमारा और बाकी के 2 अंक ये है, टोटल कितने हो गए 3, तो 1 और 2 2 और 1 3 तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 अंक के बाद लगा दिया। आंसर डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23.256। आंसर क्या आ गया 23.256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसमें इसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा 0.03 × 0.15। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 3 = 45 तो हमारा आ गया, पर लेकिन इसमें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगेगा 1 2 3 4 4 के बाद लगेगा और हमको इसमें डिजिट्स कितनी आई है आंसर में 2। तो क्या करेंगे हमेशा राइट साइड से गिनते हैं तो 1 2 और देखिए 3 डिजिट्स है नहीं तो 0, 4 डिजिट नहीं है ना 0, तो कितने हो गए 4 और पॉइंट कहाँ लगेगा इसके बाद। ठीक, इसके बाद ये आ गया हमारा क्या आ गया 0.0045 ये आया है, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.1 का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5 आया, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया 4 आया, 8 5 = 40 4 carry 8 4 = 32 32 of 4 36 5 4 6 3 कितना आ गया
3, 6, 4, 5। पर लेकिन देखिए अब हमें इसमें क्या लगाना है, लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पॉइंट लगाना। तो लास्ट स्टेप लगाने, पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स के जो राइट हैंड साइड पे हमारा जितना पॉइंट दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए इसमें डिजिट नहीं दी है ना, तो हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया। आंसर डालेंगे और लिखेंगे 0.03645। कितना आ गया, 0.03645। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25 × 10.54 × 2.1। इसमें भी हम लोग 2-2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.25 × 10.54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 4 6 24 और 1 25 मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31। इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएंगे सारे। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5, 2 में किया 2 और 6 में किया तो 6, 0 5 5 2 7, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आया, 3 में 5 प्लस किया तो 8 आया, 3 और 2 5 और 6। इसके बाद ये डिजिट जो हमारी आई है, पहले आप चलिए इसमें पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल नंबर, 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। ये जो हमारी डिजिट आई है इसको हम लोग अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2.1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5, 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया 7, 1 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 8, 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5 और 1 का मल्टीप्लाई 6 में किया 6। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन सबसे पहले आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 0 5 7 8 और 5 13, 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8 और 3 का 3 आ जाएगा और 1 as it is लिख देंगे। देखिए इसमें क्या है कि कितने पॉइंट लगा, कितने अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना ये काउंट करते हैं। 1, 2, 4, 5 कितने हो गए, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। आंसर डालेंगे और लिखेंगे क्या, 138.33750। देखिए जो पॉइंट के बाद 0 आता है, इस 0 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अभी इस क्वेश्चन में और भी सम्स हैं जिनको कि आप इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।